दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी थी इस चीज की। सभी 16 आरआरसी जोन के अटेंडेंस लेकर के हम आ चुके हैं, और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि उन 16 जोन्स में, टोटल जोन्स में आपके कितने, किस जोन में फॉर्म फिलअप हुए, इसके साथ ही साथ कितने बच्चों ने अपनी परीक्षा दी है और क्या इस बार कट ऑफ रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आपके परसेंटेज, जो कि आपका बहुत बड़ा मायने रखता है इस बार। आपको पता है कि अटेंडेंस एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है रेलवे के लिए, और आपको पता है कि रेलवे ने पहले दिन से ही चेता दिया था कि भाई बच्चे जो है ग्रुप डी के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जामिनेशन में एब्सेंट किए। और मैं आपको बता दूं, लगभग सभी जोन्स के अटेंडेंस जो है 50% से डाउन रहे। ठीक है, आइए बताते हैं कुछ जोन के हमारे पास अटेंडेंस की आरटीआई रिप्लाई आई है, जिसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है यूट्यूब पे। लेकिन अब जो है मैं टोटल 16 जोन्स का डेटा एक तैयार किया, आइए देखते हैं कि क्या डेटा कहता है। सबसे पहले बात करें हम दिल्ली की, जोन दिल्ली आपका जो सबसे ज्यादा वैकेंसी भी निकाला, इसके साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां, सबसे ज्यादा आपका फॉर्म फिलअप भी होगा। टोटल 22 लाख फॉर्म फिलअप हुआ, जिसमें आपके 7,48,000 विद्यार्थियों ने वनली आपके प्रेजेंट हुए इस वैकेंसी के लिए। वैकेंसी की संख्या है आपका 13,153, सबसे ज्यादा आपकी दिल्ली जोन से इस बार वैकेंसी निकाली गई थी। मुंबई के WR जोन से बात करें तो 8 लाख यहां पर टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 3,20,000 मात्र विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि WR मुंबई का यहां पे वैकेंसी कितना था, 10,734 था। यहां पे भी अटेंडेंस आप देख पा रहे हो कि बहुत ही कम जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 34-35% ही अटेंडेंस आपका जा रहा है। ये सारे अटेंडेंस की ऑलरेडी आरटीआई रिप्लाई से मिली हुई है, जिसकी रिप्लाई की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, मुंबई सीआर के बारे में बात करें तो 7 लाख टोटल फॉर्म गिरे थे, 2,80,000 मात्र विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। कितनी वैकेंसी के लिए, 9,345 वैकेंसी के लिए, जो कि आपका एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि यहां पे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, हुबली जोन से अगर बात करें तो टोटल 6 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, 2,40,000 विद्यार्थियों ने मात्र परीक्षा दी थी इतनी ज्यादा वैकेंसी के लिए, 7,167 वैकेंसी के लिए। ठीक है, नॉर्मल अगर आप देखेंगे ना कि अगर कहीं 7,167 वैकेंसी निकल जाती है सिर्फ इतने पोस्ट के लिए, 20 लाख से कम फॉर्म आवेदन नहीं होते, लेकिन रेलवे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस जोन में आपके 6 लाख फॉर्म ही आपके आवेदन हुए हैं। ठीक है, यहां पे आप देखिए कि सिकंदराबाद में टोटल 8 लाख फॉर्म भरे गए आपके, जिसमें मात्र आपके 2,40,000 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी 9,328 इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए। ठीक है, अटेंडेंस यहां पे भी बहुत कम रहा। ओवरऑल बात करें तो 35-36% से ज्यादा अटेंडेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बिलासपुर में मात्र 2 लाख फॉर्म भरे गए थे आपके, जिसमें से 64,000 विद्यार्थियों ने मात्र परीक्षा दी है। और यहां पे आप देखिए कितनी अच्छी पोस्ट है, 1664 पोस्ट है, 2 लाख टोटल फॉर्म भरे गए, इसमें से मात्र व मात्र आपके 64,000 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दिया है। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस का परसेंटेज कितना कम है, और जो हम बता रहे हैं कि भाई कट ऑफ के बारे में तो वो भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप पहले देखिए इलाहाबाद NCR का, यहां पे आप देख लीजिए 8 लाख टोटल आपके फॉर्म थे, 3,36,000 विद्यार्थियों ने मात्र परीक्षा दिया है ये 4,730 वैकेंसी के लिए। ठीक है, ये सारी वैकेंसी आपकी आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू आई हुई है, तो आप लोग भी इस रिप्लाई को ले सकते हैं। बाकी मैंने वीडियोज रिप्लाई का बना दिया, जैसे जैसे आरटीआई का रिप्लाई आता रहता है वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूं। ठीक है, अजमेर के बारे में बात करें, टोटल 8 लाख फॉर्म आपके आवेदन हुए थे अजमेर जोन से, जिसमें 3,36,000 मात्र विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है 5,249 पोस्ट के लिए। आरआरसी गुवाहाटी की बात करें तो यहां पे 2 लाख फॉर्म यहां पे मात्र और मात्र आपके आवेदन हुए हैं गुवाहाटी में। ठीक है, मात्र 2 लाख फॉर्म बच्चों ने आवेदन किया है यहां पे आप देख सकते हैं। और यहां पे बिलासपुर में भी 2 लाख आवेदन हुआ था, यहां गुवाहाटी में भी 2 लाख आवेदन हुआ था लगभग, लेकिन बिलासपुर में आपके 64,000 विद्यार्थी प्रेजेंट रहे, गुवाहाटी में आपके 80,000 प्रेजेंट रहे, लेकिन उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिलासपुर में 1664 आपके पोस्ट, 1664 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, यहां पे देखिए 2894 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, अंतर आपके दिख रहा है, यानी गुवाहाटी के बच्चों को ज्यादा फायदा होने वाला है। चेन्नई के बारे में बात करें दोस्तों, तो चेन्नई में टोटल 8 लाख फॉर्म आवेदन हुए, जिनमें मात्र मात्र 3,04,000 विद्यार्थियों ने ही पेपर दिया। ये सारे आपके कुछ ना कुछ हर जोन के आरटीआई रिप्लाई धीरे धीरे आ रहा है। जिस जोन का आरटीआई रिप्लाई आ गया है उस जोन का हमने वीडियो बनाया है, बाकी जिस जोन का
आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है, अपने मन से हमने जो है एक कट ऑफ को मतलब अटेंडेंस को प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि आपको पता चला है अभी तक कि जितना आपका आरटीआई रिप्लाई आया है सब में 35-38% ही आपका मैक्सिमम अटेंडेंस रहा है, और जो मैंने अपने मन से बनाया उसमें 40-42% से ज्यादा अटेंडेंस हमने नहीं रखा है। इसी तरीके से कोलकाता एससीआर के बारे में बात कर ले तो 400,000 टोटल आपके फॉर्म भरे गए थे जिसमें 144,000 मात्र विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। कोलकाता ईआर के भी 10,00,000 यहाँ पे आवेदन हुए थे, 3,60,000 मात्र विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 5,00,000 सिर्फ आपके हाजीपुर में आवेदन हुए, 3,00,000 भुवनेश्वर में आवेदन हुए, जबलपुर में 5,00,000 आवेदन हुए, गोरखपुर में 5,00,000 आवेदन हुए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इस 5,00,000 के लिए 2,25,000 मात्र विद्यार्थियों ने दिया, 3,00,000 के लिए यहाँ पे 1,20,000 ने मात्र पात्र पेपर दिए, जबलपुर में यहाँ पे मात्र 2,00,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, सीधे के सीधे आपके 3,00,000 विद्यार्थी एबसेंट रहे, डेटा 50% से डाउन चला गया। यहाँ पे अगर 5,00,000 की बात करें तो इसमें भी आप लोग ये देख सकते हैं कि 2,00,000 से 2,00,000 मात्र विद्यार्थियों ने पेपर दिया टोटल 5,00,000 की वैकेंसी में। अटेंडेंस अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ा टेंशन का विषय अभी भी रेलवे के लिए बना हुआ है कि 32-38% ही अटेंडेंस अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सभी आरआरसी का निकल के आ रहा है। ऐसे में आपके कट ऑफ कम जाने की संभावना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। वैसे उन विद्यार्थियों को तो ज्यादा जिनकी शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है और उस शिफ्ट में अगर आपने 45-46 मार्क्स भी आपने अगर हासिल किए हैं, निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि हमने भी देखा कि कुछ ऐसे शिफ्ट थे जो कि बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई थे। तो ऐसा नहीं है कि उस शिफ्ट के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, धुआंधार तरीके से होगा, बस आप देखते जाइए नॉर्मलाइजेशन का चमत्कार। बाकी रेलवे के पल पल के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट आसान है इस पर भी वीडियो बना लिए, चैनल पर जाकर के विजिट करके देख सकते हैं, उसी हिसाब से आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है।